नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार, स्वागत है आपका रुद्र ट्रेड यूट्यूब चैनल में। इस चैनल का उद्देश्य है आपको शेयर मार्केट से जुड़ी छोटी छोटी बातों से अवगत कराना। आज का टॉपिक है कि जिसका भी NFO डिसेबल होगा या जिन्होंने एक्टिवेट नहीं किया होगा या ऑटोमेटिक डिसेबल हो गया होगा, तो उनको अपना NFO कैसे एक्टिव करना है। इसके लिए आपको 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए बैंक का। प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद पोर्टफोलियो पे जाएंगे। पोर्टफोलियो पे जाने के बाद ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे, सेगमेंट पे क्लिक करेंगे। सेगमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है इक्विटी और BSE एक्टिव है, बाकी NSE फ्यूचर, BSE फ्यूचर, NSE करेंसी और BSE करेंसी, इनको हमको एक्टिवेट करना है, जिससे हमारा फ्यूचर, ऑप्शन और म्यूचुअल फंड तीनों एक्टिव हो जाएंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इनकम ग्रोथ, आपकी सालाना इनकम कितनी है वो आपको बताना पड़ेगा। 1 लाख, 1,05,000 या 5 से 10, 10 से 25। हम यहाँ पे हम 1 लाख डाल देते हैं। यहाँ चूज़ फाइल पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, परमिशन देंगे, जहाँ फाइल पे रखी होगी उस पर क्लिक करेंगे। फाइल हमें सिलेक्ट हो गई। फाइल सिलेक्ट होने के बाद अपना पासवर्ड यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर फाइल में कोई पासवर्ड है तो आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद कंडीशन पे हमको ओके करना पड़ेगा, आई अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स में। कंटिन्यू क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा काम यहाँ से हो जाएगा। फिर जरूरदा आपका, आपने PDF अपलोड किया है उसको वेरीफाई करने के बाद आपका NFO एक्टिवेट कर देगा। तो इसी प्रकार शेयर मार्केट से जुड़ी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। और एक और बात, अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हम अपने प्रीमियम ग्रुप में जोड़ेंगे, जिससे आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।